भाई साहब सुन, मैं कह रहा हूँ शीशा फोड़ दूंगा बैल की जीतवा की। ओ ना ना ना, एक मिनट और शीशा फोड़ दूंगा। नहीं भाई साहब। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। आप लोगों से उम्मीद है यार, प्यार करो और फैमिली को सपोर्ट करो यार, प्यार दिखाओ थोड़ा बहुत यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज। हाँ जी आ जाओगे? आ जाओ। दे दे गुटका पानी के लिए। ये फंस गया सी है। अच्छा बेल्ट लगाओ आप। यहाँ लगाओ उसे। अच्छा क्या नाम रहता भैया आपका? दिनेश। क्या? दिनेश। तो यहाँ कहाँ से आ रहे हो? गाड़ी में से आ रहा हूँ। टैंकर चलाते हैं? टैंकर। टैंकर चलाते हो आप? कितनी गर्मी तो लग रही काबू है? भाई साहब किसी बंदे पर कर्ज हो जाए तो बहुत आफत बन जाती है। क्यों? सही बात है नहीं भाई साहब? 20 लाख रुपया कर्ज हो गया साला और पट नहीं पा रहा, इतना परेशान हूँ बहुत ज्यादा यार। बंदा कर्ज वाला क्या है परेशान कर रहा, फोन कर रहा ये देखो साला। अरे मैंने कहा दे देंगे, एक बार बताओ 3 महीने हुए बस 20 लाख रुपये लिए मेरे, अब 3 महीने के बाद कैसे दे दूंगा मैं अचानक से? क्यों कर्ज करो? अचानक काम पड़ गो भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे ऐसी मोटो काम करो कोई तो पल को चेक करो, केसबाजी में बवंडर बनो जे। खेचो को का चीज हो, केस में नाम आएगा मेरे तो 20 लाख रुपया न्यू करके और कटवा में लगी पैसा, नाम कटवाया था ना तो तुम्हें पता सब जगह रिश्वत चलती है तो वो है। केस का केस भाई साहब ये था कि एक मर्डर हो गया था, जबकि मैं नहीं था उसमें, पर हो गया क्या नाम ले दिया, नाम ले दिया भाई जो जो लोग होते हैं ना अपोजिट पार्टी वाले, उन्होंने क्या भाई साहब नाम ले दिया। अब मेरा उस वाले? मैं आगरा का, उस टाइम मेरी नौकरी का काम चल रहा था। अब वो 2 लाख रुपए मैंने नाम कटवाने के लिए वहां से पिताजी ने ले लिए। अब भाई साहब अब परेशान करके फेंक दिया उस बंदे ने। अब वो बंदा कर रहा है कि उसकी किडनी खराब है कोई, तो वो कह रहा मुझे ऑपरेशन कराना भाई साहब। मैंने कहा भाई मैं दे दूंगा भाई, कि मैं मर जाऊंगा तब देगा तो क्या फायदा एक बात बताओ यार। मैंने कहा भाई मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा तुझे, किसी और से ले ले, अब तक काम से निकाल ले, मैं कहां से निकालू। वो तो कह रहा भाई साहब तू अपनी किडनी दे, पागल लेगा कैसे दे दूंगा भाई साहब? मेवा लोग अच्छे बताओ, मैं दे दूंगा तो यही तो बात है। गलत है, पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, उनमें बुद्धि नहीं है यार। कोई बंदा कैसे कोई चीज दे देगा? वैसे नाम बेटर तो दूंगे जब ही लाओ, बेटर तो दूंगे तुम। का मतलब? जैसे ना भाई साहब आप हुए गलत फहमी है रही है भाई साहब, मेरा कोई संबंध ही ना उनसे तो फिर कोई रिंजिश होगी। हाँ रिंजिश है, वही तो बताऊँ, अपोजिट वाले पार्टी वाले आदमी है हमारे, रिंजिश होगी यही होता है, यही है भाई साहब। तुम्हारी कोई पुरानी वो चल रही होगी? हाँ जल्दी
दस बार तो फोन करता, फोन नहीं उठा ही नहीं रहा साले का फोन में। मैंने की कर ले साले, क्या करेगा मेरा घर वाले नहीं परेशान तो करो। पिताजी ने कह दिया मेरी तो कोई संबंध ना, मैं तो छोड़ा नाम फार्म कटवा दो हम जाए तुम्हें दू। हेलो मुनीम जी, अरे काय को तुम फोन कर रहे भाई साहब, सुबह से तुम तो कह दे यार कि तुम्हें दे दूंगा पैसा, मैं पटा दूंगा तुम्हें पैसा। काय को 3 महीने तो भाई यार, तुम्हें ऐसे थोड़ी करता यार, तो किडनी खराब है तुम्हारी तो भाई साहब। मैं क्या करूं इस चीज में भाई साहब, मैं कहां से ला के दूंगा तुम्हें पैसे, मेरे बस की नहीं भाई साहब पैसा 3 महीने के बाद देने का। मैं तुमसे क्या कहा था, 1 साल से पहले पैसे नहीं दूंगा। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भाई, तो भगवान की जिम्मेदारी है, तो उनसे बोलो ना भगवान से। मैं क्या करूंगा इसमें, तुम्हारी किडनी खराब हुई है तो भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा यार 20 लाख रुपए, मेरे पास पैसे है नहीं एक भी भाई साहब। देखो समझा करो, मेरे बस की नहीं है भाई साहब। देखो मुनीम जी, चाहे कुछ भी करो, चाहे पिटाई लगाओ, चाहे कुछ भी करो भाई साहब, तुम मार लो पीट लो, क्या कर लोगे यार इससे, मार पीटने से पैसे बढ़ जाएंगे तुम्हारे भाई साहब। बहुत तंग हूं यार भाई दुनिया में यार, तुम हल्के तो मेरा मुश्किल तो कोई काम है ना पा रहे यार, तुम मजा ले रहे यार तुम। मुनीम जी यार समझा करो यार भाई साहब, कहां से दे पाऊंगा यार तुम्हें, एक बात बताओ यार, मैं दे पाऊंगा कहां से यार तुम्हें, ऐसी बातें कर रहे हो यार, तो तुक की बात करो ना कोई, जहां से मैं दे पाऊं तुम्हें। अरे चंपक से भी बोला यार, चंपक में पैसे नहीं है भाई साहब, चंपक परेशान है बेचारा, उसके घर में क्लेश रह रही है बहुत दिन से, मैं उससे कैसे, मेरा दोस्ती तो है, तो दोस्त क्या अपने लिए वो जान थोड़ी दे देगा मेरे लिए भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार। अरे तुम समझा करो यार, मेरी बस की नहीं है भाई साहब, तुम देख लो भाई मेरे बस की नहीं है, तुम कुछ भी करो भाई साहब मेरे बस की नहीं। मुनीम जी तो किडनी कहां से दूंगा मैं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए यार, यार हद हो रखी है। चलो ठीक है मेरे संग बैठे एक 3 आदमी है, 3 आदमी है, एक ला रहा हूँ मैं भाई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश नाम है भाई साहब, दिनेश भाई साहब लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम यार फोन रखो, कौन हो तुम? अरे किडनी मांग रहे हैं एक, ठीक है चलो भाई साहब एक किडनी तुम दे दिए। यहाँ पर तुम्हें रखो बैठे रहो शांति से, वापस मोड़ूंगा गाड़ी किडनी के लिए। देखो सुनो बैठे रहो मेरे साथ। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? रुको जरा सबर करो भाई साहब, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं अरे यार मेरी पैसा ले फटाफट, सुनो पैसे लेने की बात नहीं जाएंगे हम। अरे क्यों नहीं जाओगे? मारी इच्छा, मैं लेके जाऊंगा अभी। को मेरी बात सुनी भैया, भाई फोन लगाइयो। अरे कोई फोन नहीं लगाया, चुपचाप नहीं बिल्कुल कोई नहीं। सुनो मेरी बात, अरे बैठे रहो यार। मैं भैया सुनो, एक मिनट में लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुझे आदत जाना है 20 लाख रुपए बटाने यार, मुझे कैसे बटाने 20 लाख मेरे से बटाएगा? अरे एक किडनी देनी है बस। ओ अरे भाई साहब सुन, मैं कह रहा हूँ सीधा बोल दूंगा बहन की जुटवा की। ओ ना 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 एक मिनट हूँ, सीधा बोल दूंगा। नहीं भाई साहब बता रहा हूँ, मेरे पैसे बट जाएंगे। फोन कर मेरे, मेरे पैसे बट जाएंगे, मेरे से बटेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, अनजान गाड़ी में जो अनजान गाड़ी में बैठते हैं उनके साथ मजाक करता हूँ। नहीं भाई साहब अनजान गाड़ी में जो बैठे हैं मैं नहीं जाऊंगा, एक मिनट अंजान गाड़ी में। अरे अब जाऊंगा नहीं, पैसे लेके 100 चाहिए, 200 चाहिए। अंजान गाड़ी में जो लोग बैठे भाई साहब, पैसे नहीं चाहिए भाई साहब, पैसा नहीं चाहिए। मैं अब जाऊंगा नहीं, घरवाले से मेरा सुनो भाई साहब लो। भाई साहब देखो उतर के भाग गए भाई साहब, ये भाग गए निकल के, इनके साथ मजाक ज्यादा खतरनाक हो गया भाई साहब।